अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 2 की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओप्पो रेनो 2 की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया 70,000 रुपये में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इसके स्पेक्स क्या है, इसका कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया और फोन जो है ओवरऑल देखने में कैसा है और क्यों इसकी प्राइस जो है 70,000 रुपये रखी गई, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस क्यों रखी गई और इसके अंदर क्या ऐसा कमाल का फीचर है जिसकी वजह से इसकी 70,000 रुपया प्राइस रख दी गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों यहाँ अगर बात कर लें पहले थोड़ी स्पेसिफिकेशन की, यहाँ फ्रंट की तरफ आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.5 इंचज का एक डिस्प्ले है और यहाँ आपको 1080x2400 की रेजोल्यूशन मिल जाती है और साथ ही साथ मैं आपको बता चलूं इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, जो कि मतलब कि स्क्रीन के अंदर अंगूठा लगाएं और फिंगरप्रिंट आन लो। दूसरे फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर मिलता है, इसके साथ साथ आपको एंड्रीनो के 618 ग्राफिक्स मिलते हैं और ये आता है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जो कि 70,000 के अंदर आपको अवेलेबल करवाया गया है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, मतलब कि अगर आप इस फोन के अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको सेकंड सिम को निकालना पड़ेगा, उस टाइम आप सिंगल ही सिम इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इस फोन के अंदर आपको जो कैमरा है वो फोकस मिलते हैं, मतलब कैमरा फोकस फोन है, मतलब कि इसके अंदर कैमरा ही कमाल आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो प्राइस ज़्यादा दी गई है वो कैमरा की वजह से दी गई है और कुछ इसके अंदर जो शार्क फिन वाला फीचर है जिसे आप पॉप अप सेल्फी कैमरा कहते हैं, उस फीचर की वजह से इसकी जो प्राइस है काफ़ी आपको हाई देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ इसकी बैक की तरफ आपको चार कैमरा देखने को मिलते हैं। पहला जो है 48 मेगापिक्सल का F1.7 अपर्चर के साथ आपको कैमरा देखने को मिलता है, दूसरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस है और साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है और यहां दोस्तों आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी प्रोवाइड किया गया है, डेडिकेटेड मैक्रो लेंस जो कि मैक्रो फोटोग्राफी के लिए आपको दिया गया है। यहां दोस्तों मैं आपको बताते चलूं जो कैमरा है इसकी फ्रंट की तरफ जो एक शार्क फिन पॉप अप कैमरा है, यहां आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही साथ आपको 20W का फास्ट चार्ज मिल जाता है जो कि वूक 3.0 को सपोर्ट करता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ ये फोन आता है टाइप सी की पोर्ट के साथ और ये 70,000 के अंदर लॉन्च किया गया है। यहाँ दोस्तों मैं बता चलूँ ये कैमरा फोकस फोन है, जैसे कि वीवो ने पिछले दिनों में VV17 Pro किया जो कि कैमरा फोकस फोन था, उसके अंदर कैमरे के अलावा जो था कैमरा था बहुत अच्छा कैमरा था, लेकिन उसके अंदर मतलब कि कैमरा ही ज़्यादा था जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप कर दी गई। ओप्पो है जो ओप्पो की रेनो सीरीज है, ये कैमरा फोकस सीरीज है जिसपे कैमरे को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कैमरा इसके अंदर जो मेन हाईलाइट होती है। तो यहाँ दोस्तों आपको एक परफॉर्मेंस भी अच्छी इस फोन के अंदर देखने को मिलती है क्योंकि 8GB रैम और स्नैपड्रैगन की तरफ से 730 का प्रोसेसर है और यहाँ दोस्तों आपको कैमरा भी बहुत कमाल के देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो हर किस्म का लेटेस्ट फीचर आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन है वो भी एमोलेड देखने को मिलती है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। यहाँ दोस्तों प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 70,000 के करीब आपको ये फोन देखने को मिलता है। तो अगर हम मार्केट कंपटीशन की बात करते हैं तो अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है, यहाँ जैसे आपको पता ही है वीवो V17 इसके कम प्राइस के अंदर आपको जो है एक डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए अगर 50,000 से नीचे हम आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और बहुत ऐसे फ़ोन हैं जो कि डायरेक्टली इसे कम्पीट करते हैं। अगर आप बात करते हैं कि पॉपअप सेल्फी कैमरा को आप पॉपअप सेल्फी कैमरा आप नहीं चाहते, दूसरों अगर आप छोड़ देते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा को तो यहाँ आपको यही फीचर्स आपको 50,000 के करीब फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फोन कैमरा फोकस जो है कैमरा बहुत अच्छे हैं, जी हाँ मैंने मान लिया, लेकिन फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसकी प्राइस है, जो बंदा कहता है कि भाई मुझे कम प्राइस के अंदर अच्छा फ़ोन चाहिए तो उसके लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, जो कहता है बस मेरे फ़ोन में कैमरा हो और थोड़ा शशका हो, तो आजकल शशके ही ज़्यादा माने जा रहे हैं, फ़ोन के अंदर शशके ही हैं और बाकी परफॉर्मेंस वाली तो बात पहले थी, लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए थी, आजकल लोगों को शशका और मतलब कि फुल क्वालिटी का एक फ़ोन चाहिए जो कि दूर से देखने में पता लगे भाई कोई फ़ोन है। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ओप्पो रेनो 2 किस तरह का फ़ोन है और इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं आता हूं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।